क्लास एट सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें वो छोटे से छोटा नंबर बताना है जो नीचे दिए गए नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करना है, सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब है जो नीचे नंबर्स दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इनमें से वो छोटा सा छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है ताकि ये स्क्वायर रूट यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे। आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन। फिर हमें वो स्क्वायर नंबर जो बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर जो बन जाएगा, फिर हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है। फर्स्ट पार्ट इज 402। हम पहले यानी 402 में से हमें वो छोटे से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना है ताकि जो बाकी नंबर रहेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, फिर हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है। हम यहाँ 402 लेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, हम पेयर्स बनाएंगे 02 पेयर और 4 अकेला रह जाता है, और 4 को करेंगे पहले 2 2s are 4, 4 - 4 = 0, ये 2 डबल हो जाएगा 4, यहाँ 02 पेयर नीचे आ जाएगी। अगर हम यहाँ 1 से करेंगे ये 41 बनेगा, 41 1s are 41, वो तो ज़्यादा हो जाता है। अब हम 0 से ही करेंगे, 40 0s are 0, तो यहाँ 2 रिमाइंडर आता है। तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है ये 2 जो है ये इसमें ज़्यादा है, तो यही 2 जो रिमाइंडर यहाँ हमें आया यही हम 402 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 402 - 2, 402 में से 2 निकालेंगे, वहाँ 400 आ जाएगा। इसका मतलब 400 जो है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। अब हम इस 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। राइट हैंड साइड से पेयर्स बनाएंगे, 0 0 पेयर और 2 4 अलग रहेगा, पहले 4 को करेंगे, 2 2s are 4, तो ये 2 डबल हो जाएगा 4, यहाँ 0 की जोड़ी नीचे आ जाएगी, तो यहाँ 40 0s are 0, रिमाइंडर इज 0। नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20। इसी तरह सेकंड पार्ट करना है हमें, सेकंड पार्ट इज 1750। हम पहले इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, 50 एक पेयर है और 17 दूसरी पेयर है, पहले 17 को करेंगे, 4 4s are 16, 4 4s are 16, 17 में से 16 निकलेगा, 1 रहेगा यहाँ, इस 4 को डबल करेंगे 8, तो यहाँ 50 जो पेयर है 50 ये नीचे आ जाएगी, ये 150 बन गया। तो अगर हम 0 से करेंगे तो ये 80 बन जाएगा, 80 0s are 0, वो तो कम पड़ता है। अगर 1 करेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे तो ये 81 1s are 81, वो भी कम हो जाएगा। अगर 2 से करेंगे तो ये 2 2s are 4, 2 8s are 16, 164 बनता है, वो तो ज़्यादा हो जाता है, लिहाजा हम 1 से करेंगे, 81 1s are 81, 81 1s are 81, तो 5 में से 1 यहाँ जाएगा, 10 10 - 1 9, यहाँ 4 रहेगा, 1 यहाँ जाएगा, 14 14 में से 8 निकलेगा, यहाँ 6 आ जाएगा, इसका मतलब है 6 इसका रिमाइंडर रहेगा। तो यही 69 जो है नंबर, यही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1750 में से 69, और 10 में से 9 या 1 आ जाएगा, यहाँ 4 7 में से 1 आ जाएगा, 14 14 - 6 = 8, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 1, तो 6 1681 इज द
परफेक्ट स्क्वायर इज द स्क्वायर नंबर। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 1681। इसको भी पेयर्स बनाएंगे 81, एक पेयर है 16, दूसरी पेयर है, पहले 16 को करेंगे, 4 4 जार 16, ये 4 डबल हो जाएगा 8, 16 माइनस 16 0, अब 81 जो पेयर है नीचे आ जाएगी, तो यहाँ 81 आ जाएगा, तो रिमाइंडर इज 0। सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1681 इज इक्वल टू 41। इसी तरह तीसरा चौथा पार्ट भी है, ये आप खुद कर सकते हैं। शुक्रिया।